जामताड़ा जिला का करमाटांड़ा नाम सुनने के बाद लोगों के दिमाग में साइबर क्राइम के गढ़ होने की बात आने लगती है। सवाल खड़े होने लगते हैं कि करमाटांड़ या वही करमाटांड़ है जहां ठग विद्या में महारत हासिल रखने वाले शातिर लोग भी रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोगों का नजरिया करमाटांड़ के नाम सुनने के बाद नकारात्मक रूप में बदल जाता है, लेकिन ऐसा शत प्रतिशत नहीं है। किसी जमाने में यही करमाटांड़ सकारात्मक नामों में शुमार था। अलग अलग राज्यों के लोग करमाटांड़ आया करते थे। करमाटांड़ को बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। जी हाँ, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि ठग विद्या का गढ़ कहे जाने वाले करमाटांड़ कभी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कर्म भूमि भी रही है। खासकर युवा वर्ग को विद्यासागर की कर्म भूमि नंदन कानन की जानकारी होनी चाहिए। यह वही नंदन कानन है जहां पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन काल के करीब 17 से 18 वर्ष यहीं पर रहकर बिता दिए। वो पहले आए देवघर, देवघर में वो कुछ समय बिताए, माने 2-3-4 दिन बिताए। उसके बाद उनको वो जगह समझ में नहीं आया। फिर जैसा कि मैंने साहित्यकारों के लेख से पता चला, मधुपुर में भी उनका कदम पड़ा, यहाँ भी उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि उनको जहाँ जाना था वो शायद नंदन कानन करमाटांड़ था, इसलिए वो जब पुनः पीछे की ओर मैंने बैक किए तो वो करमाटांड़ में उतर गए। और उतरने के बाद ये हम कह रहे हैं ये 1872-73 की बात होगी, वहां पर एक अंग्रेज महिला के माध्यम से उनको ये जगह नंदन कानन प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि सन 1872 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर करमाटांड़ पहुंचे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को करमाटांड़ कई दृष्टियों से पसंद आया था। उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान, नारी शिक्षा को बढ़ावा देने समेत विधवा पुनर्विवाह, पौल शिक्षा और चिकित्सीय योगदान के लिए करीब 13 एकड़ में फैली नंदन कानन को सेवा का केंद्र बनाया। उक्त जमीन को एक ब्रिटिश महिला से उन्होंने खरीदा था, जो लोगों के लिए नंदन कानन सेवा का केंद्र बन गया। यहीं पर रहकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर लोगों को शिक्षा देने का काम करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने होम्योपैथ के जरिए से बीमार पड़े गरीब असहाय लोगों को मुफ्त दवाइयां देकर इलाज किया करते थे। मजदूरों के लिए भोजन तैयार करवाते थे ताकि कोई भूखा ना रहे। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम भी सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने करमाटांड़ जैसे छोटे से गांव में शुरू की। एक्चुअली जिस समय वो आए थे उस समय तो कुछ था ही नहीं, वहां सिर्फ आदिवासी गरीब तबके के लोग ही रहते थे। तो नेचुरली है क्या, वो अपने सेवा भावना या अपना सेवा का काम जो है वो गरीबों में ही ज्यादातर किया किए। गांव में कॉलेरा वगैरह या और महामारी वगैरह फैल गया तो ये दिन नहीं रात नहीं उनकी सेवा में लगे रहे। आदिवासी समुदाय के बीच में अपना वो तो बहुत अच्छे होम्योपैथिक के चिकित्सक भी रहे हैं। बताया जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मृत्यु कोलकाता के बहादुर बगान में सन 1891 में हो गई। इसके बाद नंदन कानन को उनके बेटे ने कोलकाता के एक मल्लिक परिवार को बेच दिया था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुयायियों ने वापस नंदन कानन को खरीदने का अभियान चलाया। करीब 24,000 रुपए में मल्लिक परिवार से पुनः नंदन कानन को खरीदा गया।
तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने नंदन कानन की जमीन को खरीदने के लिए 15,000 रुपए का योगदान दिया था। बाकी बचे राशि के लिए 1-1 रुपए चंदा इकट्ठा की गई थी। ये तो मान लिया जाए पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब 29 जुलाई 1891 में वो बहादुर बागान कोलकाता में अपना देह त्याग दिए, तो उसके बाद ये जमीन उनके लड़के नारायण चंद्र ने किसी मल्लिक परिवार के हाथों में बेच दिया गया। तो बाद में इस जगह का चिन्हित करने के लिए उस समय तो झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस समय बिहार बंगाली समिति के जो ऑफिशियल थे, जो पदाधिकारी थे, जो विद्यासागर के अनुयायी थे, वो विद्यासागर को खोजने लगे कि विद्यासागर के जी कहाँ कहाँ गए, क्या क्या काम किए। इस तरह खोजते खोजते जब उन लोगों को पता चला कि अरे वो तो बिहार के, उस समय बिहार था, बिहार के कर्माटार में भी वो अपना लास्ट 18 ईयर्स बिताए, तो वो लोग आए यहाँ पर कि भाई यहाँ कहाँ पर थे, तो पता चला ये नंदन कानन में थे। तो अभी नंदन कानन कहाँ क्या है किस साल में, तो पता चला कोई कलकत्ता का कोई मल्लिक फैमिली है, उनके हाथ में विद्यासागर जी के लड़के ने इस नंदन कानन को भेज दिया था। तो इन लोगों ने फिर वो नंदन कानन को टेक ओवर करने के लिए एक अभियान चला, समिति बनाया, विद्यासागर स्मृति रक्षा समिति। देखिए उस समय ये जमीन 13 एकड़ 9 डेसिमल, और इस जमीन को टेक ओवर करने के लिए जैसा कि हम लोगों ने देखा सुना है पढ़ा है और वो लिखित भी है, 24,000 रुपया में खरीदा गया, और 15,000 रुपया उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर साहेब, तो वो 15,000 रुपया इस काम नेक काम के लिए दिए थे, बाकी 1-1 रुपया का जो है वो ये चलाया गया, ड्राइव चलाया गया जो भाई 1-1 रुपया चंदा संग्रह करके रेस्ट अमाउंट दे करके वो मल्लिक परिवार से फिर 29 मार्च 1974 को ये अधिग्रहण किया गया। कई वर्षों से इस नंदन कानन की देखरेख विद्यासागर स्मृति रक्षा समिति द्वारा की जा रही है। समिति की देखरेख में नंदन कानन आज भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़ी कई चीजों को संजोए रखा है। उनकी स्मृतियां कर्माटांड के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। जो उनके हाथ लगाया हुआ पेड़, आम का पेड़ अभी भी आपको मिलेगा, वो जहां नहाते थे वो कुआं अभी भी मिलेगा, कुछ रेनोवेशन का काम होम्यो क्लिनिक में हुआ है लेकिन वो साइट ऐसा कमरा अभी भी बना हुआ है। दूसरी चीज वो जहां सोते थे वो पलंग आज भी वहां पर मौजूद है। तो इस तरह कई चीज जो है जिसको हम लोग संरक्षण दिए हुए हैं, और बहुत दूर दराज से लोग भारत के, जैसे मान लीजिए कलकत्ता वगैरह तो है, और भी है, उड़ीसा है, दिल्ली है, और भी है जगह से लोग समय समय पर आते हैं। अभी सालाना वहां पर 3 तरह का कार्यक्रम तो किया जा रहा है, जैसे टेक ओवर का एक दिन हम लोग 29 मार्च उस दिन हम लोग एक गुरु दक्षिणा के नाम से प्रोग्राम करते हैं, उसका नाम ही हम लोग दिया है एक गुरु दक्षिणा। और दूसरा है 29 जुलाई को भी एक कार्यक्रम हम लोग मृत्यु दिवस पर करते हैं, 26 सितंबर उनका जन्मदिन है उस दिन भी हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं। ये शेड्यूल 3 कार्यक्रम एकदम निश्चित रूप से हर वर्ष होना है, और बृहद पैमाने पर इस बार हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कर्माटांड में अपनी भावनात्मक जुड़ाव और सेवा के कारण ही रेलवे ने कर्माटांड स्टेशन का नाम बदलकर विद्यासागर स्टेशन रख दिया। इसी रेलवे स्टेशन से जुड़ी एक जेंटलमैन की कहानी भी चरितार्थ है, जिनका सामान को रेलवे स्टेशन से कूली बनकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नंदन कानन तक पहुंचाया था। और ताजुब की बात है कि वह जेंटलमैन ईश्वर चंद्र विद्यासागर से ही मिलने नंदन कानन आए थे। इस तरह का जो एक महान व्यक्तित्व के लोग जो कर्माटांड में है, और जिसको देखने के लिए दूर दराज से उस समय भी लोग आते थे, तो ये एक अलग एक सेंटिमेंट काम करता है कर्माटांड में, जिसको आज के युवा
नहीं समझ पा रहे। आज भी पुराने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि विद्यासागर जब यहाँ थे तो एक ईश्वरीय भाव गरीबों में, असहाय में, आदिवासियों में था, भगवान के रूप में मानते थे। तो इनकी जो महिमा चारों तरफ है तो इसका असर आज के युवाओं में नहीं देखा जा रहा है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और युवा आज के जामताड़ा जिले जिसके अंतर्गत ये थर्माटा है, एक विपरीत दिशा में जो भागते हुए जा रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सचमुच में विद्या का सागर थे। करमाटाल जैसे छोटे से कस्बे में उस वक्त उन्होंने अपने सेवा भाव से दूर दूर तक करमाटाल का नाम रोशन किया था। लेकिन आज के परिदृश्य में करमाटाल ना जाने अपने कौन सी विधा में विलीन हो चुका है, यह चिंता का विषय है। आज की युवा पीढ़ियों को ऐसे महान व्यक्तित्व के कर्मस्थली से सीख लेने की जरूरत है, ताकि करमाटाल ठग विद्या से नहीं बल्कि विद्यासागर के कर्म भूमि से चरितार्थ हो सके। मेरा जो परदादा जी थे वो यहाँ पे काली पूजा शुरू की, तो उन्हीं के समय से विद्यासागर है। विडो रिमैरिज, फिर आपका जो यहाँ पे वो आए थे शेष जीवन में, जब आदिवासी लोगों का सेवा करने के लिए गरीब आदमी को फ्री मुफ्त में दवाई देते थे, यहाँ आने से अच्छा लगेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे फ्रीडम फाइटिंग में बहुत कुछ किया है, ये जानना चाहिए। बंगाली लोगों का, हम लोग का जो वर्णों परिचय है वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। आज उतना फैला था नहीं, फैला हुआ है, तो आदमी लोगों को जानना चाहिए। आइए देखिए यहाँ पे रॉयल प्लाजा बसनामी काफी होटल, मैरिज हॉल एंड फैमिली रेस्टोरेंट। मधुपुर का एक ऐसा मैरिज हॉल जहाँ एक ही छत के नीचे हर सुविधाएं उपलब्ध है। मैरिज, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या फिर कोई भी मीटिंग्स, रॉयल प्लाजा आपको खाने पीने समेत डेकोरेशन जैसी व्यवस्था देती है। बेहतर कमरों के साथ शानदार हॉल भी। हमारे यहाँ वेज, नॉन वेज, इंडियन तंदूरी, चाइनीज और हाई टी आइटम्स उपलब्ध है। हमारा पता रॉयल प्लाजा। अब पेट्रोल के झंझट से मिलेगा छुटकारा, घर लाइए जॉय ई बाइक की इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, भारत का जॉय, शानदार और दमदार स्कूटी और स्कूटर के साथ। जेनेक्स, नानू, ग्लोब, उल्फ, उल्फ इको और मिहोस जैसे ब्रांडेड मॉडल्स की बाइक हमारे शोरूम में उपलब्ध है। 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेंटर के साथ साथ फाइनेंस की सुविधा भी। हमारा पता सारा एंटरप्राइजेस, कलाम चौक, धमना फाटक, मधुपुर, झारखंड। आपके शहर मधुपुर में शांत वातावरण के बीच वाइड इम्पो मैरिज हॉल एंड फैमिली लॉज खुल गया है। पार्किंग की व्यवस्था, आरामदायक बेडरूम समेत पार्टी ऑर्गेनाइज के लिए खूबसूरत हॉल और स्टेज भी उपलब्ध है। सभी सुविधाओं के साथ हमारा पता पथरचपटी रोड, पेट्रोल पंप के बगल, मधुपुर, झारखंड।